से यह आपके फेस को स्कैन कर लेगा, मतलब दो बार आपको आपका फेस स्कैन करना होता है। तो आपको ब्लिंक करना है और ब्लिंक करने के बाद आपकी इमेज कैप्चर हो जाएगी। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। नमस्कार दोस्तों, फौजी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और यह वीडियो देखने के बाद आपको मैन्युअली डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस प्रोसेस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अब शुरू करते हैं कि कैसे हम डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मोबाइल से अप्लाई करेंगे। तो मोबाइल फोन से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट आप पहले ही अपने पास रख लें। तो सबसे पहले आपको एक मोबाइल फोन चाहिए जिसमें एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन हो। इसके अलावा आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए जिस पर OTP आएगा। एक ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए जिस पर मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आएगा, जहां से आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इसके अलावा अपना आधार कार्ड नंबर नोट करके रख लें। साथ में आपको PPO नंबर की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको एंटर करना होता है। साथ में आपको पेंशन अकाउंट नंबर भी चाहिए जिसमें आपकी पेंशन क्रेडिट होती है। तो ये डॉक्यूमेंट आप पहले ही तैयार करके रख लें। अब शुरू करते हैं कि कैसे आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। अब मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आपको लेकर जाता हूँ। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में ब्राउजर ओपन करेंगे। तो हम गूगल ओपन कर लेते हैं। इसमें हम जीवन प्रमाण टाइप करते हैं और उसके बाद सर्च के बटन को क्लिक करेंगे। तो जीवन प्रमाण सर्च करने पर हमें जो गूगल सर्च में पहला रिजल्ट मिलेगा वो जीवन प्रमाण की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जीवन प्रमाण की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप यह समझ सकते हैं कि यह वेबसाइट कैसे काम करती है और कैसे आप लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो। तो इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। इसमें फर्स्ट है PC, सेकंड मोबाइल, थर्ड इज ऑफिस। तो इसमें हमें मोबाइल पर क्लिक करना है क्योंकि हम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज पर आपको मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में डिटेल मिलेंगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वह यह है कि आपका मोबाइल एंड्रॉइड 7.0 या उससे ऊपर होना चाहिए। इसके बाद आपको एक ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको अपनी ईमेल आईडी टाइप कर देनी है। तो इसमें मैं अपनी ईमेल आईडी टाइप कर देता हूँ। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद इसमें आपको कैप्चा जो कि ऊपर रेड कलर में दिया गया है वह टाइप कर देना है। तो GXNAS6 यह टाइप करने के बाद आपको नीचे दिए गए आई एग्री टू डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें एक OTP के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो जो ईमेल आईडी आपने इंटर की है उस पर एक OTP जाएगा। आपको अपनी जीमेल आईडी ओपन करनी है और उसमें से OTP को इस पेज पर इंटर कर देना है। तो मैं अभी OTP टाइप कर देता हूँ। OTP टाइप करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको ऐप डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। और जैसे ही आप मोबाइल ऐप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसमें एक पॉपअप जनरेट होता है जिसमें दिया गया है डाउनलोड लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी। आपकी ईमेल आईडी पर एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक सेंड कर दिया जाता है। तो मैं अपनी जीमेल आईडी ओपन कर लेता हूं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें तीन लिंक दिए गए हैं जिसमें से आप किन्हीं भी दो लिंक का यूज़ करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम पहले फर्स्ट वाली ऐप डाउनलोड कर देते हैं। तो इसमें हमें डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर ओपन होगा और इसमें से आप आधार फेस RD इस पर इंस्टॉल कर दें। तो क्लिक करने के बाद यह ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। यह 70.36 MB की थोड़ी बड़ी मोबाइल एप्लीकेशन है, तो 5 से 10 सेकंड इसमें लग सकते हैं। तो जैसे ही यह मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड होगी हम दोबारा से
अपनी मेल आईडी ओपन करेंगे जिसमें सेकंड मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, तो इसको एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी हम दोबारा जीमेल आईडी ओपन करते हैं। इसमें मैं नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करता हूँ, जीवन प्रमाण, और जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड एनीवे, उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपको ओपन, डाउनलोड होने के बाद ओपन पर क्लिक करें और इंस्टॉल पर क्लिक करें। इसके बाद यह जीवन प्रमाण मोबाइल एप्लीकेशन भी आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको इसी लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जीवन प्रमाण फेस ऐप ओपन करें। उसके बाद आपसे ये कंटिन्यू विद यस पर क्लिक करना है, या आपसे बायोमेट्रिक के लिए परमिशन लेता है। इसके बाद अलाउ कर दें, क्योंकि इसमें कैमरे का यूज होगा तो इसलिए आपको इसे परमिशन देनी होती है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर इसमें एंटर करना है, तो मैं अपना आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और लास्ट में आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर दें। तो मैं अपनी स्पर्श वाली डिटेल ही इसमें डाल देता हूँ, जो मैं स्पर्श में अपना ईमेल एड्रेस यूज़ करता हूँ, तो मैं वही ईमेल एड्रेस एंटर कर रहा हूँ। वैसे आप दूसरा ईमेल एड्रेस भी इसमें एंटर कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी एंटर कर दें। यह ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पर भी जाता है, तो आप दोनों में से कहीं से भी ओटीपी लेकर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो इसके बाद आपको आपकी जो आधार कार्ड में नाम है वह एंटर करना है, तो मैं अपना नाम एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको चेक के बटन पर क्लिक करना है कि आप इसे परमिशन देते हैं आपके आधार कार्ड के डाटा को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद स्कैन पर क्लिक करें, तो मैं स्कैन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे स्कैन पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप ओपन होगा, उसमें आपको यस पर क्लिक करना है कि यह आपसे परमिशन लेता है कि आपकी फेस को स्कैन करना चाहता है। उसके बाद आप फिर से पिक्चर लेने की परमिशन अलाउ करें। इसके बाद आपका फेस कैप्चर किया जाएगा। प्रोसेस होने के बाद इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको अपना फेस कैसे होल्ड करना है, फेस को स्ट्रेट रखें। उसके बाद आपको ब्लिंक करना होता है। उसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है, तो मैं इसमें प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही प्रोसीड के बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपका फेस कैमरा ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं, इसने फेस को कैप्चर कर लिया है। इसके बाद इमेजेस कैप्चर्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, तो इसमें क्लाइंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, तो फेस कैप्चर होते ही इसमें क्लाइंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नीचे आ चुका है। इसके बाद आपको दोबारा से इसमें अपनी डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, क्योंकि वह आपका आधार कार्ड के साथ आपका वैलिडेशन हो गया है। तो अभी हम दोबारा से आधार कार्ड की डिटेल इसमें डालेंगे, तो मैं आधार कार्ड नंबर इसमें एंटर कर देता हूँ। आधार कार्ड के बाद मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो ईमेल आईडी आपने पहले एंटर किया था, वही ईमेल आईडी दोबारा एंटर कर दें। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। फिर से आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी आपको इसमें एंटर कर देना है। यदि एक मिनट तक आपके पास कोई ओटीपी नहीं आता, तो आप रीसेंड ओटीपी पर भी क्लिक करके दोबारा ओटीपी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। इसमें आपको अपनी पेंशन से रिलेटेड सभी डिटेल एंटर करनी होती है, ताकि आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी के पास चला जाए। तो इसमें जितनी भी एजेंसी है उनकी लिस्ट दी गई है, तो इसमें मैं डिफेंस पीसीडीएपी इलाहाबाद सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद
अगर आप नेवी में हैं तो डिफेंस पीसीडीए नेवी मुंबई, एयरफोर्स में हैं तो डिफेंस ज्वाइंट सीडीए सुब्रतो पाक न्यू दिल्ली सेलेक्ट करें। डिसबर्सिंग एजेंसी में हम स्पर्स सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी डीपीडीओ से पेंशन है तो डीपीडीओ, यदि आपकी डिसबर्सिंग एजेंसी बैंक है तो आपको बैंक सेलेक्ट करना है, तो मैं इसमें स्पर्स सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको एजेंसी सेलेक्ट करनी है, तो मैंने अपना इसमें पीपीओ नंबर एंटर कर दिया है। उसके बाद अकाउंट नंबर एंटर करना है जिसमें आपकी पेंशन क्रेडिट होती है, तो एजेंसी में हम स्पर्स पीसीडीए पेंशन सेलेक्ट करेंगे और अपना अकाउंट नंबर भी इसमें एंटर कर देते हैं। नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, री एम्प्लॉयड, यदि आप कोई दोबारा जॉब करते हैं तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। उसके बाद चेक बॉक्स को क्लिक करें। उसके बाद आपको पॉपअप में दिया गया, डू यू वांट टू जनरेट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर एनी अदर पेंशन नोट एंटर्ड अबो, तो इसमें आपको नो पर क्लिक करना है। इसका मतलब यह है कि यदि आप दो पेंशन ले रहे हैं और दो पेंशन के लिए आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका पीपीओ नंबर है उससे रिलेटेड कन्फर्मेशन पूछता है, जिसमें आपको चेक बॉक्स को क्लिक करना है और स्कैन के बटन पर क्लिक कर देना है। डू यू वांट टू स्कैन योर फेस, इसमें आपको दोबारा आपका फेस स्कैन करने की परमिशन लेता है, जिसमें आपको यस करना है, स्कैन पर क्लिक करना है और फिर से यह आपके फेस को स्कैन कर लेगा। मतलब दो बार आपको आपका फेस स्कैन करना होता है, तो आपको ब्लिंक करना है और ब्लिंक करने के बाद आपकी इमेज कैप्चर हो जाएगी। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रमाण आईडी फॉर पीपीओ नंबर, तो इसमें आपकी प्रमाण आईडी जनरेट हो जाती है, पीपीओ नंबर भी जनरेट हो जाता है। आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक मैसेज आता है, उसके बाद मैसेज में जाकर उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करें तथा उस लिंक में आपको प्रमाण आईडी एंटर करनी होती है। प्रमाण आईडी एंटर करने के बाद आपको सबमिट करना है और उसके बाद आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना स्पर्श पोर्टल में लॉगिन करके आपके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ टाइम लगता है अपडेट होने में, तो इसलिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट होने के तुरंत बाद चेक ना करें, उससे एक या दो दिन के बाद चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपकी डिटेल्स अपडेट हो गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार डिफेंस वेलफेयर न्यूज प्राप्त करने के लिए फौजी अड्डा ऐप इंस्टॉल करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।